नमस्ते छात्रों, मैं माधुरी मैडम आप सभी का पीवीएम ई-लर्निंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। लोक भारती हिंदी कक्षा दसवीं पहली इकाई पते 6 गिरिधर नागर इस पद का आज हम भाग 2 देखने जा रहे हैं। संत मीराबाई रचे गिरिधर नागर इस पद का पहला भाग हमने कल देखा, तो आज हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। हरि बिना पुनः गति मेरी तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी बेर बेर पुकार कहु प्रभु आरती है तेरी यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुढ़त है बेरी बिरहणी पिवकी बाट जोवे राखोले नेरी दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो इस पद्य में इन पंक्तियों में मीराबाई ने कहा हुआ है कि हे हरि हे कृष्ण हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं, आपके बिना मेरा कौन है। संत मीराबाई ने अपरंपार ऐसा प्रेम यहाँ पर श्री कृष्ण से किया हुआ था। यहाँ पर भक्ति धारा में उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया हुआ था और मीराबाई ने कहा कि हे प्रभु हे भगवान हे कृष्ण आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है और आप ही मुझे इस संसार में यहाँ पर इस संसार में यदि आप मुझे नहीं मिले तो यहाँ पर इसी विरह में मैं अपना सारा जीवन समाप्त कर दूंगी या अपना जीवन में यहाँ पर त्याग कर दूंगी। आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, आप ही मेरे पालन करता है, आप ही मेरे रक्षक है, आपकी मैं दासी हूँ और मैं आपकी दासी होने के कारण मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपके ही चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम लेती हूँ और आपका ही नाम यहाँ पर जपती रहती हूँ। मीराबाई रात दिन श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर वह घंटों तक यहाँ पर भजन सुनाया करती थी या घंटों तक वह श्री कृष्ण के साथ बातें किया करती थी। मीराबाई ने कहा हुआ है कि मैं आपको बार बार पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र ऐसी इच्छा है। मीराबाई को यहाँ पर श्री कृष्ण के मिलन की आशा थी और मीराबाई ने कहा कि मैं आपके दर्शन की तीव्र लालसा कर रही हूँ, मैं आपके दर्शन की राह देख रही हूँ। यह संसार विभिन्न प्रकारों से दोषी और विकारों से भरा हुआ यह सागर है, यानी यहाँ पर इस संसार में मोह माया यह फैली हुई है। यहाँ पर मुझे इस संसार के मोह माया में मुझे फंसना नहीं है, यहाँ पर मुझे संसार में रहकर यहाँ पर लोगों के पास मुझे रहना नहीं है, मुझे आपके ही पास आना है, आप ही मेरे सब कुछ है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, यहाँ पर आप मेरे स्वामी हैं और हे स्वामी आप मुझे अपने पास बुला लो, यही इच्छा यहाँ पर मीरा की है या संत मीराबाई की है। जिसके बीच में गिर गई हूँ यानी संसार के बीच में यहाँ पर मैं फंस गई हूँ, इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है यानी इस संसार में मुझे रहना नहीं है। यहाँ पर हे प्रभु आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए अन्यथा यह जीवन नौका संसार सागर में डूब जाएगी। यहाँ पर आप जल्दी से मेरे पास आइए वरना मेरा जो जीवन है यह जीवन इस सागर में ही डूब जाएगा और आप मुझे किनारे तक लेकर जाइए तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे प्रियतम हे प्रिय आपकी यह विरहणी निरंतर आपकी राह देख रही है, आपका इंतजार कर रही है और आपकी ही राह में यह बस आखिरी सांस तक वह इसी तरह से आपका नाम जपती रहेगी या आपका नाम लेती रहेगी। आपके आगमन की मुझे प्रतीक्षा है। यहाँ पर संत मीराबाई ने कहा कि हे श्री कृष्ण मैं आपके
आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपकी मैं दासी हूँ और सदा मैं आपकी दासी रहना चाहती हूँ। आपके नाम का ही मैं स्मरण करती रहती हूँ और आपके ही शरण में मैं आना चाहती हूँ। यह संत मीराबाई श्री कृष्ण से कह रही है। यह पर श्री कृष्ण की उत्कट ऐसी प्रेम की भावना हमें इन पंक्तियों से मिलता है। फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, बिना करतार पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। बिना सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर बोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण केवल बलिहार रे। तो मीराबाई कहना चाहती है इन पंक्तियों में, मीराबाई ने कहा कि फागुन का महीना यानी वसंत ऋतु आ गया है। इस वसंत ऋतु में हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय आ गया है यानी वसंत ऋतु आ गया है। सभी दुनिया पर रंगों का त्यौहार आ गया है और इस रंगों में मुझे आपके ही साथ यहाँ पर होली खेलनी है, ऐसा मीराबाई ने श्री कृष्ण से कहा हुआ है। यहाँ पर समय अति अल्प होता है, जी भर कर मुझे यहाँ पर होली खेलनी है। क्योंकि यहाँ पर मीराबाई ने कहा श्री कृष्ण से कि इस संसार में मनुष्य बहुत ही कम दिनों के लिए आता हुआ है और यहाँ पर इस कम समय में मुझे आपके साथ इस संसार का यानी इस जीवन के सारे सुखों को प्राप्त करना है, इसी कारण जल्द से जल्द आप आ जाइए। अर्थात मानव जीवन यहाँ पर अस्थाई है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्व रूप से प्रेम कर ले। यानी यहाँ पर समय का यानी समय जो है, समय हमारे पास बहुत ही कम है, तो हमें जितना समय प्राप्त हुआ है, जितना समय हमें मिला हुआ है, इस समय में हमें प्रेम ही करना है। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करतार पखवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर मुझे सुनाई दे रहा है। यानी मैं श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर होली खेल रही हूँ और उन्हीं के साथ होली खेलते खेलते मैं यहाँ पर इतनी मग्न हो गई हूँ कि मुझे इस होली खेलते समय यहाँ पर श्री कृष्ण के ही स्वर उनकी ही बोली मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में रंग में डूबा हुआ है। यानी श्री कृष्ण के रंगों में मैंने खुद को रंग लिया है और मुझे आशा है कि कभी ना कभी श्री कृष्ण यह आएंगे और मुझे अपने रंगों में रंग कर यहाँ से ले जाएंगे। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला हुआ है। यानी सभी रंग जो है आकाश में फैले हुए हैं। इन सभी रंगों का मनोहर ऐसा दृश्य यहाँ पर मैं देख रही हूँ और उस दृश्य में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं भी कृष्ण के साथ यहाँ पर होली के रंगों में डूब गई हूँ और मैं श्री कृष्ण से यहाँ पर प्रेम में तल्लीन हो गई हूँ और यहाँ पर श्री कृष्ण मेरे पास आ गए हैं। मेरा प्रिय प्रेमी होली खेलने की पिचकारी है। यानी इन पिचकारी में सभी रंग मैंने भरे हुए हैं, वैसे ही रंग यहाँ पर मैंने अपने प्रेम में भी भरे हुए हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी मैं रंग गई हूँ। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। यानी जो भी होली के जो रंग है, इन रंगों से सारा आकाश इस गुलाल के आकाश लाल हो गया है। गुलाल के रंगों से अब मुझे लोक लाज का कोई डर नहीं है। मैंने लोक लाज यहाँ पर छोड़ दी हुई है।
क्योंकि मैंने अपने आप को श्री कृष्ण के और समर्पित कर दिया हुआ है और मैंने अपना सारा जीवन उन्हें के लिए त्याग दिया हुआ है। मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने अपना हृदय यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए खोल दिया हुआ है। लोग चाहे जो भी कहे, यहाँ पर इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर मेरे तो स्वामी श्री गिरिधर नागर है, श्री कृष्ण है। मैं उन्हीं की परम भक्त हूँ। उन्हीं को मैं यहाँ पर पति मानती हूँ, स्वामी मानती हूँ और उन्हीं के लिए मेरा सारा जीवन है, यही मैंने माना हुआ है। इसी कारण अपने हृदय के सारे द्वार मैंने खोल दिए हैं। अतः मैं मीरा कहती है, स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। मैंने उनके चरणों में कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हुआ है, यानी उनके चरणों में मैंने अपना सारा जीवन निछावर कर दिया है, सारा जीवन मैंने अर्पित कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर छात्र मीरा बहन ने अपना सारा तन मन धन सिर्फ श्री कृष्ण के भक्ति में ही अर्पित कर दिया हुआ है। उन्हीं के साथ वह रहना चाहती है, उन्हीं के प्रतीक्षा वह कर रही है, उन्हें मिलन की आशा है और मिलन की आशा तभी समाप्त हुई जब यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए, यानी श्री कृष्ण के मिलन की उत्कट ऐसी भावना इस पद्य में मीरा बहन ने हमारे सामने प्रस्तुत की हुई थी। मीरा बहन ने कहा हुआ है कि श्री कृष्ण से प्रेम करना, उन्हें अपना सर्वस्व मानना या उन्हीं के लिए जीवन जीना, यही मेरा इस संसार का महत्वपूर्ण उद्देश्य था और यही मेरा जीवन का संदेश था। और यहाँ पर मीरा बहन ने मंदिरों में घूम घूम कर यहाँ पर भजन कीर्तन किए, हरि कीर्तन उन्होंने किए और यहाँ पर सर्वत्र यानी सारे जहाँ तक वह जिन मंदिरों में यहाँ पर मीराबाई गई वहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण का ही नाम धारण किया, श्री कृष्ण का ही वह भजन किया करती थी, उन्हीं के बारे में वह सोचा करती थी और आखिरी सांस तक यहाँ पर मीराबाई ने अपना जीवन यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए अर्पित कर दिया हुआ था। तो यहाँ पर छात्रों सभी छात्रों ने स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय लिख कर यहाँ पर जब हमारी स्कूल शुरू होगी तब सभी बच्चों ने या सभी छात्रों ने अपनी किताबें हमें या अपनी कॉपी जो है वह हमें दिखा ली है। धन्यवाद।